अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पराठा रेसिपी। वेलकम माई यूट्यूब चैनल अस्का की रेसिपी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू गोभी का पराठा और ये बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम आलू गोभी का बना हुआ सालन ले लेंगे। उसके अंदर हम ज़ीरा, खुश्क धनिया और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसके साथ हम थोड़ा सा सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और सुर्ख मिर्चें नहीं हम डालेंगे क्योंकि ये सालन के अंदर पहले बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम सबसे पहले आटे के दो पेड़े लेंगे, छोटे छोटे से मीडियम साइज़ के, और उन्हें और दूसरा भी हम इसी तरह बना लेंगे। ये अब हमारे हो गए दो पेड़े। अब हम पेड़े को लेके उसे थोड़ा सा इस तरह हाथ के साथ बेल लेंगे जब ये इतना सा हो जाएगा फिर दूसरे को भी ले लेंगे, उसे भी थोड़ा सा इस तरह करके बेल लेंगे। पहले हम पेड़े के ऊपर देसी घी का थोड़ा सा हाथ लगाएंगे और इसे इस तरह अच्छी तरह सारे के ऊपर लगा देंगे। फिर हम आलू गोभी का जो सालन था पेस्ट बनाया हुआ उसे ले लेंगे और उसे अच्छी तरह लगा लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार सा पराठा तैयार होगा। इसके ऊपर दूसरा पेड़ा जो बनाया था उसे इस तरह कर देंगे और इसे साइडों से अच्छी तरह बंद कर लेंगे। अब हमने इसे तवे के ऊपर डाल दिया। अब हम इसके ऊपर देसी घी को अच्छी तरह लगा लेंगे। अब हम इसकी दूसरी साइड पर भी देसी घी को लगा देंगे और देसी घी अच्छी तरह लगाएंगे। देसी घी के पराठे बहुत ही मज़े के होते हैं। अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पक जाए। अब हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये बहुत आसान सी रेसिपी थी और ये बहुत ही आसान सा तरीका है। ज़रूर आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। अब हमारा पराठा हो गया तैयार और अब हम यहीं पर करते हैं अपनी रेसिपी को क्लोज़। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।